Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सुमन गोस्वामी प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वाली पतंग उड़ाने लग रहे हैं और आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रहा है. फ्रेंड्स, मेरे को लग रहा है कि मुश्किल से मुश्किल अभी 40-45 मिनट के अंदर पूरा ये एरिया धुंध से भर जाएगा, यानी फॉग ही फॉग हो जाएगा. फ्रेंड्स, हम लोग इस पतंग को उड़ा करके एक दो पेच लड़ाते हैं क्योंकि आसमान में कुछ पतंगें उड़ रही हैं, तो मैं भी अपनी पतंग उड़ा लेता हूँ. और इसमें जो मांझा है, इसमें मांझा पहले का ही है. और मेरी पतंग जा रही है फटाफट जा रही है और मैं भी कैमरामैन को बोलूंगा कि DSLR कैमरे से दिखाए आपको. मेरे पास अभी इसमें कम से कम 250-300 मीटर मांझा है फ्रेंड्स, और मेरे को आज मांझा लगाने की ज़रूरत नहीं है. अभी थोड़ी देर ही पेच लड़ पाएगा, मुश्किल से 2-3 पेच ही लड़ पाएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फॉग गिरने वाला है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स आज दिल्ली में. मैं कैमरामैन को बोलूंगा वो DSLR कैमरे से दिखाए आपको. देखिए फ्रेंड्स, वो नीचे से ला रहा है बड़ी तेजी के साथ. बच गया. अभी मैंने मारा तो था एक गद्दा, लेकिन बच गया उसका पेच. काट दी फ्रेंड्स. वो देखिए, हम बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया डबल का मौका मिला था, डबल का मौका लगा करके काटा मैंने. गई उसकी पतंग, झूमती हुई जा रही है, दूसरे मोहल्ले में पहुंचेगी अभी. फ्रेंड्स, अभी जो पेच लड़ा इसको मैं आपको डमी से समझाता हूँ और किस तरह से लड़ा वो पेच. फ्रेंड्स, वो मेरे राइट हैंड साइड से उड़ा रहा था और वो नीचे से आया और मैं लेफ्ट हैंड साइड से मैं ऊपर से उड़ा था. वो मेरे आगे से उड़ा रहा है, कम से कम 50 मीटर आगे से उड़ा रहा है फ्रेंड्स. तो क्या हुआ कि वो नीचे से आया, बहुत तेज़ी से घुस करके आया और मैंने भी उसको दबोचा. जब मैंने दबोचा, उसने खींचा, टेपर खींचा और ये खींच करके जो फ्रेंड्स वो बाहर टेपर की तरफ निकला और मैंने गद्दा मारा उसको. लेकिन क्या हुआ कि मेरा गद्दा चूक गया उस टाइम, उसको गद्दा पड़ा नहीं, पतंग अलग हो गया. वो दोबारा फिर से अपनी पतंग लेकर के अंदर आया. इस बार क्या हुआ कि मैं वो जैसे ऐसे करके टेपर फिर बाहर निकला, मैंने उसको पूरा इस तरह से मारा और मारने के बाद क्या हुआ, मेरी पतंग ऐसे चिराव में आ गई, दोनों पतंगे. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक दो चक्कर दे करके आसमान में सीधा खड़ा खींच करके उसका पेच काटा. ये डबल का पेच था फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, एक बीच में जो प्लास्टिक की पतंग उड़ गई है, इस प्लास्टिक की पतंग को काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको काटे बगैर हम आगे नहीं लड़ा पाएंगे. तो इसलिए मैं अपनी पतंग कम कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक की पतंग बिल्कुल नज़दीक से उड़ गई. और ये देखिए, ये प्लास्टिक की पतंग बिल्कुल हमारे हाथ के पास से उड़ गई है. मेरी पतंग काफ़ी दूर है, अगर मैं भी लड़ाने की कोशिश करूँगा मेरी पतंग जो है फ्रेंड्स कट जाएगी, सर्दी से कट जाएगी. और इसने बिल्कुल बीच में खड़ी कर दी है. इसको काटना बहुत ज़रूरी है. अभी मैं DSLR कैमरे से दिखाने के लिए बोलूँगा. एकदम बेकार सी पतंग है फ्रेंड्स और बीच में लाके खड़ी कर दी. ये देखिए कैसे तेजी से अंदर घुस रहा है ला करके. चल तरी ऐसी की तैसी ये काट दी फ्रेंड्स, लाम बना करके काटा इसको. वो देखिए कैसी जा रही है. ये जो डाउन हो रही है फ्रेंड्स, ये मेरी पतंग है. और वो ला रहा बहुत तेजी के साथ. ओए होए होए, रे रे रे, रा 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 रा, ये आ गया. पूरा एकदम हाथ घुस रहा है फ्रेंड्स. ये काटी फ्रेंड्स, बहुत अंदर तक घुस के आ रहा था ये.
निकल गई लग रहा है, मैं लपेटने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ निकल गई शायद, निकल गई, आया नहीं। फ्रेंड्स देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है, और अब जो पेच लड़ रहा है वो बहुत ही अच्छे प्लेयर के साथ लड़ेगा, और अभी तक जो पेच लड़ा है उसमें छोटे बच्चे बड़े सब लड़ा रहे थे लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेकिन अब जो पेच लड़ने वाला है वो सॉलिड प्लेयर के साथ लड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब देखना है किसके बाजू में कितना दम है, और आप मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो DSLR कैमरे से दिखाए, देखिए सूरज कैसे धुंध के पीछे छिप गया है, और इस पेच को लड़ा करके फ्रेंड्स चाहे पतंग कटे चाहे काटूँ अब मैं अपना पतंग उतार लूँगा। फ्रेंड्स देखिए सूरज की हालत देख रहे हैं कैसे, कितना ज़्यादा धुंध पड़ गया, बड़े बड़े बिल्डिंग जो हैं अब छुपने लग गए हैं, और मैं बस ये फटाफट एक दो पेच चढ़ा करके अपनी पतंग उतार लेता हूं। फ्रेंड्स मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो पेच दिखाए आपको। फ्रेंड्स देखिए अब ये पेच लड़ने जा रहा है, और शायद नीचे से लड़ाएगा, पता नहीं कहाँ से लड़ाएगा, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली किधर से लड़ाना चाह रहा है वो। ये जो पतंग आई इस तरफ, ये जो खींच के सीधी चली आ रही है मेरी पतंग है, और ये इसने अपनी पतंग डाउन करी। फ्रेंड्स ये भी ला रहा है, ए चला मैं, ए तेरी काट दी। फ्रेंड्स देखा कितना जबरदस्त पेस था ये, मजा आ गया देख करके। वो देखिए फ्रेंड्स मेरे पतंग के आगे जा रही है झूमती हुई, एकदम लहराती हुई जा रही है, ये बहुत अच्छा लड़ाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं था कोई, लेकिन ये मेरे चुंगल में फंस गया, निकल गई पतंग उसकी। फ्रेंड्स अब मैं अपनी पतंग उतार ले रहा हूँ, और मैं पहले हाथ से उतारूँगा क्योंकि पतंग काफ़ी दूर है, और आप देख सकते हैं धुंध इतना ज़्यादा पड़ गया और बिल्कुल एकदम ठुटरने वाला सर्दी हो रहा है आज, हालत ख़राब हो रही, दांत कट कट कर रहे हैं मेरे, और मैं अभी तेज़ी से इसको खींच के उतार लेता हूँ मांझे तक, तो हाथ से उतारूँगा फिर मांझे के बाद जो है मांझे के बाद सर्दी से उतारूंगा। फ्रेंड्स ये देखिए मांझा सर्दी का गीट आ गया, ये मांझा सर्दी का गीट है, ये उस दिन का ही उतरा हुआ मांझा मैंने लड़ा दी, पतंग मेरा नज़दीक आ गया। अब इतना हिस्सा मैं सर्दी चरखी से लपेट लूँगा, फिर बाकी मांझे को भी लपेटता हूँ अभी। फ्रेंड्स अब मैं पतंग पूरी उतार ले रहा हूँ, और बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है पतंग, 40-50 मीटर रह गया है, और तेज़ी के साथ मैं इसको उतार रहा हूँ। ये एक होममेड काइट है फ्रेंड्स, इस पतंग को भी घर पे बनाया गया था, और ये मकर संक्रांति के लिए बनाया था हमने, और इस पतंग को आप लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले देखा भी होगा, अब बिल्कुल उतरने वाली हो रही है ये हमारी सारी पतंग। फ्रेंड्स मार्केट से डिफरेंट होती है जो मैं घर पे बनाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी होममेड काइट उतर आई, आज इसने कुछ पेज काटे, 2-3 पेज तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन बच्चों ने बीच में बहुत ज़्यादा पतंग उड़ानी शुरू कर दी थी इसलिए हमने जो है ठीक से नहीं लड़ा पाए, और बहुत ज़्यादा धुंध गिर गया, ओस भी बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो को बंद कर रहे हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन घोष, यही नाम है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।